नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 24 दिसंबर। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जल्द ही जारी होगा माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के छठे चरण के नियोजन का स्केड्यूल। अब जमीन की मापी होगी मशीन से, ना एक इंच इधर ना उधर। बिहार के आईपीएस अधिकारियों को संपत्ति का ब्यौरा देने की डेडलाइन तय। बिहार बोर्ड का रीजनल ऑफिस दिल्ली एनसीआर में कार्यरत। बिहार में शराबबंदी के मामले में होगी स्पीडी ट्रायल। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पद और गोपनीयता के बाद शराब को हाथ नहीं लगाने की कसम खाएंगे आज पंचायत प्रतिनिधि। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में इस बार पद और गोपनीयता की शपथ लेने के साथ ही शराब को हाथ नहीं लगाने की भी शपथ लेनी होगी। सरकार ऐसा कर नवनिर्वाचितों को शराबबंदी कानून में सख्ती के लिए एक कड़ी बनाने की तैयारी कर रही है। इसी के तहत आज बिहार के सभी जिलों में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के नवनिर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण को लेकर एक साथ दोहरे शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है। सरकार ने जो तैयारी की है उसके मुताबिक जनप्रतिनिधियों को दो प्रकार की शपथ दिलाई जाएगी। इसमें पहली शपथ पद और गोपनीयता की होगी, दूसरी शपथ नशा मुक्ति की दिलाई जाएगी। वार्ड सदस्य, पंच, मुखिया और सरपंच की शपथ संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी या अंचल अधिकारी द्वारा दिलाई जाएगी। वहीं उप मुखिया, उप सरपंच की शपथ मुखिया सरपंच द्वारा दिलाई जाएगी। अब जमीन की मापी होगी मशीन से, न एक इंच इधर न उधर। बिहार में अपराध के मामलों को अगर देखें तो बड़ा मामला जमीन से जुड़ा हुआ है। बता दें कि प्रदेश में अब जमीन की मापी को लेकर बिहार सरकार एक्शन में है। जमीन की मापी इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन यानी कि ईटीएस के माध्यम से की जाएगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इसके लिए 711 ईटीएस मशीनों की खरीदारी का ऑर्डर दे दिया है। खरीद के बाद हर जमीन की मापी इसी मशीन के माध्यम से होगी। इस मशीन से मापी होने पर जमीन की मापी में किसी तरह की कोई त्रुटि नहीं रहेगी, साथ ही किसी की मनमानी भी नहीं चल पाएगी। इससे पहले जमीन मापी को लेकर कई तरीके की शिकायतें विभाग के पास पहुंचती रही हैं। बता दें कि विभाग ने जमीन मापी को मशीन खरीदने का अधिकार जिलों को दे दिया है, साथ ही साथ राशि भी निर्गत कर दी गई है। इन मशीन की खरीद जैम पोर्टल के जरिए की जाएगी। बताया जा रहा है कि हर एक मशीन के लिए 6 लाख रुपए यानी कि कुल 42,66,00,000 रुपए दिए गए हैं। आईपीएस अधिकारियों को संपत्ति का ब्यौरा देने की डेडलाइन तय। बिहार के सभी आईपीएस अधिकारियों से अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए कई बार कहा गया है, लेकिन अब इन सभी अधिकारियों को ऐसा करने के लिए आखिरी तारीख भी जारी कर दी गई है, जिसके तहत बिहार सरकार के गृह विभाग के आरक्षी शाखा द्वारा जारी आदेश के अनुसार आईपीएस अधिकारियों को केंद्र सरकार के नियम के तहत 31 जनवरी तक अपने वार्षिक चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। साथ ही इसके लिए गृह विभाग की तरफ से बिहार के डीजीपी संजीव कुमार को पत्र भी जारी कर दिया गया है। पत्र के माध्यम से गृह विभाग के सचिव सोनथिल कुमार ने डीजीपी को पत्र जारी कर बिहार के सभी आईपीएस अधिकारियों को 31 जनवरी से पहले ऑनलाइन अपने चल अचल संपत्ति का ब्यौरा जमा करने का निर्देश दे दिया गया है। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को लेकर आरपीएफ की टीम कर रही है लोगों को जागरूक। देश भर में ओमिक्रॉन के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। नवंबर महीने के मुकाबले में संक्रमण तेजी से बढ़ा है। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे को लेकर पटना जंक्शन पर आरपीएफ की टीम लोगों को जागरूक कर रही है। माइक के जरिए लोगों को मास्क पहनने और सामाजिक दूरी बनाए रखने की अपील की जा रही है। जो लोग मास्क नहीं पहन रहे उनसे जुर्माना भी वसूला जा रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर लगातार सतर्कता बरती जा रही है। पटना जंक्शन पर भी लगातार मुहिम चलाई जा रही है। लोगों से अपील की जा रही है कि जो भी पटना जंक्शन आ रहे हैं या बाहर से आ रहे हैं वो मास्क जरूर लगाएं। पुलिस माइक के जरिए लगातार आग्रह कर रही है। वहीं सब इंस्पेक्टर दिनेश चौधरी ने बताया है कि बिना मास्क रेलवे परिसर में एंट्री नहीं दी जा रही है। 1250 लीटर की क्षमता के 3 ऑक्सीजन प्लांट एक साथ चालू। ओमिक्रॉन के नए मामलों में बढ़ोतरी के साथ ही बिहार में भी स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है, जिसके तहत ही पीएमसीएच में ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए नए पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का गुरुवार को शुभारंभ किया गया। प्रदेश भर में मेडिकल कॉलेज के पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का मॉक ड्रिल भी किया गया और इसी मॉक ड्रिल के साथ पीएमसीएच में 1250 लीटर प्रति मिनट की क्षमता वाले 3 ऑक्सीजन प्लांट शुरू कर दिए गए हैं। नए पीएसए ऑक्सीजन प्लांट में प्रति मिनट 3750 लीटर ऑक्सीजन तैयार होंगे। ऑक्सीजन प्लांट के साथ 3000 लीटर ऑक्सीजन क्षमता की स्टोरेज भी है। ऐसे में इस प्लांट में एक साथ 3 प्लांट शुरू होने से 9000 लीटर ऑक्सीजन स्टोरेज की क्षमता पीएमसीएच की अब हो गई है।
जारी होगा माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के छठे चरण के नियोजन का स्केड्यूल। बिहार में शिक्षक नियोजन को लेकर इंतजार लाखों उम्मीदवार को है। हालांकि पंचायत चुनाव से पहले चरणवार तरीके से शिक्षक नियोजन का स्केड्यूल जारी किया गया था, लेकिन पंचायत चुनाव के कारण नियोजन के काम को रोक दिया गया था, जिसके बाद सही छठे चरण में हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल के 32,714 पदों पर नियोजन की प्रक्रिया 15 जनवरी के बाद शुरू होने की संभावना अब जताई जा रही है और इसके लिए स्केड्यूल बहुत जल्द जारी होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार फरवरी महीने में मैट्रिक और इंटर की वार्षिक परीक्षा के मद्देनजर शिक्षा विभाग माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया को उसके पहले पूरी करने के प्रयास में है। नीतीश सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजी से किया करार। बिहार में रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में जहां सरकारी नौकरियों के लिए वैकेंसी निकाली जा रही है, वहीं निजी क्षेत्र में भी रोजगार सृजन के प्रयास जारी हैं। बिहार को औद्योगिकरण की रास्ते पर आगे बढ़ाने का प्रयास के तहत एथेनॉल की फैक्ट्रियों के जरिए बेरोजगारी दूर करने की योजना पर तेज गति से काम हो रहा है। वहीं बिहार के सभी सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी ITI को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की योजना पर भी विचार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यह कोर्स जॉब ओरिएंटेड होगा, जो युवाओं को रोजगार दिलाने में कारगर साबित होगा। रीजनल ऑफिस दिल्ली NCR में कार्यरत बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने दिल्ली NCR में अपना रीजनल ऑफिस बनाने का काम पूरा कर लिया है। इस कार्यालय के माध्यम से दिल्ली NCR में रह रहे बिहार बोर्ड के पहले स्टूडेंट्स मार्कशीट सर्टिफिकेट प्रोविजनल सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट में करेक्शन आसानी से करवा सकते हैं। इसके साथ ही यहां से बोर्ड से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां भी ली जा सकती हैं। बिहार बोर्ड ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस बात की जानकारी दी है, जिसमें बताया गया है कि दिल्ली NCR में जो उच्च शिक्षण ग्रहण कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, वो इस क्षेत्रीय कार्यालय से बोर्ड से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां समय से प्राप्त कर सकते हैं। बिहारवासियों को आने वाले दिनों में नहीं सताएगी ठंड। बिहार में अगले 48 घंटे में ठंड से थोड़ी राहत मिलने वाली है। बताया जा रहा है कि रात के तापमान में गिरावट हो सकती है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि राज्य के ऊपर बने उच्च दबाव के क्षेत्र के कारण मौसम शुष्क और स्थिर बना रहेगा। विभाग की तरफ से जारी पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले 48 घंटे के बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। ठंड में हो रहे बदलाव को लेकर मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि मौसम शुष्क और स्थिर रहने के कारण ठंड से राहत मिल सकती है। विभाग की माने तो आने वाले 48 घंटे तक स्थिति बनी रहेगी। एक सप्ताह से ठंड बढ़ गई थी, लेकिन राज्य के ऊपर से उच्च दबाव होने के कारण मौसम में बदलाव आ रहा है। विभाग का कहना है कि जब तक उच्च दबाव का क्षेत्र बना रहेगा, तब तक मौसम में बदलाव नहीं होगा। पुरानी पेंशन बहाली के लिए मुख्यमंत्री को दिया गया ज्ञापन। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम बिहार के अध्यक्ष वरुण पांडे, महासचिव शशि भूषण कुमार और मुख्य प्रवक्ता संतोष कुमार के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को पुरानी पेंशन बहाली हेतु ज्ञापन सौंपा गया। अध्यक्ष का कहना है कि NPS की बहुत सारी कमियां हैं। सेवानिवृत्ति सरकारी सेवकों को कोई भी निश्चित गारंटी नहीं दी जाती। आज कई सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को NPS में जो पेंशन दी जा रही है वो काफी कम है, और सभी सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद NPS के माध्यम से बैंक और बाजार के भरोसे छोड़ दिया गया है। NPS में सरकार का भी कुछ खास फायदा नहीं है, उल्टे हानि ही है। पैसा कर्मचारियों का है और उसमें सरकार का भी शेयर लगे और उस पैसे से फायदा बैंक और बाजार उठाए, यह कैसी समझदारी है। PFRDA की कार्यप्रणाली बेहद संदिग्ध है और उसमें पारदर्शिता का अभाव है। पुरानी पेंशन बहाली के लिए राष्ट्रीय आंदोलन नामक संगठन शुरुआत से ही NPS का लगातार विरोध कर रहा है। बिहार के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर किया गया ऑक्सीजन प्लांट का मॉक ड्रिल। बिहार में कोरोना के मामलों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार में भी कोरोना के खिलाफ जंग शुरू कर दी गई है। इसी को लेकर ऑक्सीजन प्लांट के लिए मॉक ड्रिल किया गया। भारत सरकार के निर्देश पर राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा मेडिकल कॉलेज और सदर अस्पतालों में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट का मॉक ड्रिल हुआ। इसी के तहत सफल मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान ऑक्सीजन आपूर्ति की कैपेसिटी की भी जांच की गई और सभी मशीनें ठीक पाई गई। स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया है कि संयंत्र पूरी तरीके से कारगर है और सामान्य तरह से प्रक्रिया भी कर रहा है। मधुबनी के नौलखा महल में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। नौलखा महल का निर्माण मधुबनी जिले के राजनगर में 17वीं शताब्दी में हुआ था। कहा जाता है कि इस महल और भव्य मंदिर को बनवाने के लिए महाराजा रामेश्वर सिंह ने 17वीं शताब्दी में 9 लाख चांदी के सिक्के खर्च किए थे, इसलिए इस महल का नाम नौलखा मंदिर पड़ा। इस महल का मुख्य आकर्षण महल का हाथी पर बनाया जाना है। पूरा महल हाथी के आकार के विशाल पिलर पर बना हुआ है। जहां जहां पिलर की जरूरत थी, वहां वहां विशाल हाथी बनाया गया है और उसके ऊपर पूरी महल को एक भव्य रूप देकर निर्माण करवाया गया। 1934 में आए भूकंप में यह महल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद दरभंगा राज के 22वें महाराज कामेश्वर सिंह ने पुनः इसको सवारने का काम किया था, लेकिन 1988 में आई भयंकर भूकंप में यह महल फिर से ध्वस्त हो गया। वर्तमान में महल के भग्नावशेष अब भी मौजूद हैं।
सड़क बनाने वाले ठेकेदारों ने नहीं जमा किए हैं करोड़ों रुपए। ग्रामीण सड़क का काम करने वाले ठेकेदारों के निर्माण सामग्री की रॉयल्टी जमा नहीं की गई है। विभाग के इंजीनियरों की लापरवाही से ठेकेदारों ने 98 करोड़ जमा नहीं किए हैं। अब विभाग ने इन ठेकेदारों से न केवल रॉयल्टी की वसूली करने की बात कही है, साथ ही इन पर जुर्माना लगाने की भी तैयारी कर ली है। ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन ब्राडा की अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी संजय दुबे की तरफ से जारी पत्र में संबंधित कार्य प्रमंडल के इंजीनियरों को सरकारी राजस्व को नियमानुसार संबंधित विभाग में जमा करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि हाल ही में हुई समीक्षा बैठक में यह पाया गया था कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत उमास पोर्टल पर लेखा से संबंधित सभी एंट्री की जानी थी, लेकिन इसमें रॉयल्टी के मद में 98 करोड़ 7 लाख रुपए जमा नहीं किए गए। भ्रष्ट कुलपति को 3 जनवरी तक हाजिर होने का फरमान। मगध यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ऊपर जांच एजेंसी का शिकंजा कसता ही जा रहा है। करोड़ों रुपए का गबन करने के आरोप में अब जांच एजेंसी स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने उनके खिलाफ ही लेटर जारी कर 3 जनवरी को हाजिर होने का फरमान सुनाया है। लेटर में एसयूबी की एसपी डॉक्टर जेपी मिश्रा ने कहा है कि कुलपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हर हाल में 3 जनवरी को एसयूबी के मुख्यालय पटना में हाजिर हो और मामले की जांच कर रहे जांच अधिकारी को रिपोर्ट करे। जारी पत्र में यह भी कहा गया है कि करोड़ों रुपए के घोटाले में आरोपी कुलपति की जांच एजेंसी की आवश्यकता है, उनके बगैर आगे की जांच के साथ ही लीगल कार्रवाई परवान नहीं चढ़ सकती है। खास बात यह है कि एसपी द्वारा जारी पत्र में यह भी साफ कर दिया गया है कि आरोपी कुलपति गया में नहीं है। इसके अलावा संबंधित पत्र में एसयूवी के एसपी ने 2020 में यूनिवर्सिटी में हुई अवैध नियुक्तियों के मसले पर भी सवाल उठाया है। बिहार में शराबबंदी के मामले में होगी स्पीडी ट्रायल। शराबबंदी को लेकर बिहार में सियासत तेज है। इन सबके बीच विपक्ष इसको लेकर जहां हमलावर है, तो वहीं सत्ता पक्ष भी विपक्ष के हर हमले का जवाब दे रही है। इसी बीच शराबबंदी को लेकर बिहार सरकार के विधि मंत्री प्रमोद कुमार ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत बीते दिन उन्होंने कहा कि सरकार शराबबंदी को सख्ती से लागू करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। मंत्री ने बताया है कि सभी जजों को शराबबंदी कानून के तहत आए केसों का स्पीडी ट्रायल कर जल्द से जल्द निपटाने को कहा गया है। वहीं भाजपा के सहयोग कार्यक्रम में गन्ना उद्योग मंत्री सह विधि मंत्री प्रमोद कुमार मौजूद रहे। सहयोग कार्यक्रम में उन्होंने भाजपा कार्यालय में आए फरियादियों की फरियाद भी सुनी। उसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि विधि मंत्री भी हूं और विधि विभाग के मंत्री होने के नाते मैंने सभी जजों से बातचीत भी कर ली है। पीएम शहरी आवास योजना में लापरवाही पर कार्रवाई तय। बिहार में पीएम शहरी आवास योजना के तहत लाभुकों को घर मुहैया करवाने की योजना है, हालांकि अधिकारियों की लेट लतीफी के कारण तय लक्ष्य को हासिल कर पाना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। हालांकि इन सबके बीच योजना में शामिल अधिकारियों को बिहार सरकार की तरफ से किसी भी हाल में 25,000 आवासों की नींव 31 दिसंबर तक देने का निर्देश दिया गया है। वहीं इसको लेकर बीते दिन उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने 2 टूक नसीहत दे दी है, जिसके तहत उन्होंने साफ कहा है कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में कोताही बरतने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार में पीएम शहरी आवास योजना के तहत 3,37,684 आवासीय इकाइयों की स्वीकृति दी गई है। 2,64,922 आवासीय इकाइयों को ही आधार सीडिंग की गई है। इनमें से 1,88,374 लाभुकों को कार्यादेश निर्गत किया गया है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय का 3 को होगा उद्घाटन। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के वरिष्ठ पदाधिकारी के नेतृत्व में क्षेत्रीय कार्यालय संचालित होने वाला है। यहां खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विशेषज्ञों की एक टीम को भी तैनात किया जाना है। पटना के बेली रोड स्थित ललित भवन के बगल में एक सरकारी भवन को इसके लिए चिन्हित भी कर लिया गया है। अब 3 जनवरी को इस कार्यालय का उद्घाटन होगा। केंद्रीय मंत्रालय के वरिष्ठ पदाधिकारी के नेतृत्व में यह क्षेत्रीय कार्यालय संचालित होगा। यहां खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विशेषज्ञों की एक टीम भी तैनात होगी, जिसके बाद ही यह टीम बिहार के हर इलाके के लिए वहां होने वाले कृषि वानिकी और उद्यानिकी उत्पादों पर आधारित उद्योगों के लिए मिनी फूड पार्क का खाका तैयार करेगी। इससे जुड़ने वाले किसानों और उद्यमियों के लिए प्रशिक्षण का भी कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। इससे संभावित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार का लक्ष्य हासिल करने के लिए भी अलग से योजना तैयार की जाएगी। विशेष राज्य के दर्जे पर केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने कह दी बड़ी बात। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग के बीच सरकार के अंदर ही अलग अलग पक्ष सामने आ रहे हैं, जिसके तहत जहां सत्ताधारी जदयू विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रही है, वहीं जदयू के ही पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बड़ी बात कही है, जिसके तहत बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की जरूरत उन्होंने नहीं बताई है। इसको लेकर बहुत पहले हम लोग पटना से आकर दिल्ली तक कई बार अपनी बात कह चुके हैं, इसलिए इसमें कोई नई बात तो नहीं उठानी है। जरूरत है कि बिहार को विकास कार्यक्रम का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। उन्होंने प्लानिंग कमीशन की चर्चा करते हुए कहा कि सबसे पहले तो ये दर्जा उड़ीसा को जरूर मिलना चाहिए। भारत
सत्र अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस के तौर पर मनाएगी भाजपा। बिहार में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस के तौर पर भाजपा मनाने जा रही है। इसको लेकर बीते दिन भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव रंजन, सिद्धार्थ शंभू, कला संस्कृति प्रकोष्ठ के संयोजक वरुण सिंह ने जानकारी दे दी है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 97वीं जयंती पर पार्टी की तरफ से आयोजित किए जा रहे सुशासन कार्यक्रम की बात कही है। सुशासन दिवस के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी गई है। इसको लेकर राजीव रंजन ने कहा है कि भाजपा आम लोगों के लिए आम लोगों द्वारा बनी और आम लोगों द्वारा संचालित पार्टी है। लालू यादव और सुशील मोदी की तस्वीर के साथ विकिपीडिया पर हुई छेड़खानी। बिहार के दो बड़े नेता लालू प्रसाद यादव और सुशील मोदी को आज बिहार से लेकर आसपास के राज्यों में हर कोई पहचानता है। वहीं गूगल पर भी सर्च करने पर इनकी तस्वीर के साथ इनका पूरा जीवन सामने आ जाता है। हालांकि कुछ मंचलों ने बीते दिन लालू प्रसाद यादव और सुशील मोदी की विकिपीडिया वाली तस्वीर के साथ छेड़छाड़ कर दिया, जिसके तहत दोनों की तस्वीर के जगह पर जानवरों की तस्वीर आ रही थी। हालांकि गूगल ने तुरंत ही मामले पर संज्ञान लिया और अपनी भूल को सुधारा, जिसके बाद राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि विरोधियों ने लालू यादव की छवि को धूमिल करने के लिए ऐसा किया है। किसी ने साजिश के तहत फोटो के साथ छेड़छाड़ की है। की सरकार किसी काम की नहीं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दिल्ली रवाना होने से पहले सरकार का घेराव किया, जिसके तहत उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार किसी काम की नहीं है। थाने में चूहे शराब पीने का काम कर रहे हैं। डकैतों को ही चोरी रोकने की जिम्मेदारी दी जाती है। केंद्र सरकार वोटर आईडी से आधार जोड़ने का काम यूपी चुनाव को देखकर कर रही है। गांव देहात में कितने लोगों के पास आधार कार्ड है, यानी जिनके पास नहीं है वो चुनाव से वंचित रहेंगे, यह पूरी तरीके से षड्यंत्र है। विधानसभा में आधा दर्जन शराब की खाली बोतलें मिल रही है। मांझी जी क्या कहते हैं, शराबबंदी पर पहले सरकार अपने सहयोगी को समझे, अपनी सरकार को सुधारे, मंत्री और अधिकारियों को सुधारे, समाज सुधारने के लिए यात्रा दिखावा है। तेज प्रताप यादव ने मांझी को दिया तेजस्वी के साथ फिर से आने का ऑफर। ब्राह्मणों को लेकर अपशब्द का इस्तेमाल करने के बाद अब जीतन राम मांझी चौतरफा गिर गए हैं, क्योंकि ब्राह्मण समाज को उनके इस बयान से तो ठेस पहुंची ही है, साथ ही भाजपा के भी निशाने पर मांझी आ गए हैं। इसी बीच लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने मांझी को लेकर अहम बात कही है, जिसके तहत बीते दिन मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि मांझी से बातचीत होती रहती है, उन्होंने इस तरह के बयानों से बचने की हालांकि जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो हमारी तरफ से आए और मिलकर सरकार बनाए। जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी में अभी फिलहाल बन नहीं रही है, पहले वाली बात नहीं रह गई, डबल इंजन धीरे धीरे अब खत्म हो जाएगा। व्हाट्सएप पर चैटिंग के साथ साथ बदलेगा कॉलिंग का अंदाज। पॉपुलर इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप यूजर के चैटिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए लगातार नए नए फीचर को रोल आउट करता रहता है। उम्मीद है कि व्हाट्सएप जल्द ही इन फीचर्स को रिलीज करेगा। व्हाट्सएप कॉलिंग यूजर के सबसे पसंदीदा फीचर्स में से एक बताई गई है। व्हाट्सएप अपने यूजर के कॉलिंग एक्सपीरियंस को नया और पहले से बेहतर बनाने के लिए नए कॉलिंग इंटरफेस पर काम कर रहा है। व्हाट्सएप इस फीचर को खासतौर से ग्रुप एडमिन्स के लिए लाने वाला है। इस फीचर के आने के बाद ग्रुप एडमिन कम्युनिटी इनवाइट लिंक के जरिए नए यूजर को इनवाइट करके दूसरे मेंबर्स के साथ चैटिंग शुरू कर सकेंगे। व्हाट्सएप जल्द ही एक नया अपडेट रिलीज करने की तैयारी कर रहा है, जिसके आने के बाद ग्रुप के एडमिन को पहले से ज्यादा कंट्रोल मिल जाएगा। आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन की तारीख हुई जारी। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 के लिए मेगा ऑक्शन स्केड्यूल को अंतिम रूप दे दिया गया है। आईपीएल 2022 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी अब 12 और 13 फरवरी को बैंगलोर में होने वाली है। इससे पहले ऐसी खबरें आई थी कि आईपीएल की मेगा नीलामी का आयोजन 7 और 8 फरवरी को होगा, लेकिन अब क्रिकबज ने आईपीएल अधिकारियों के हवाले से कन्फर्म किया है कि प्रत्येक फ्रेंचाइजी को तारीखों की जानकारी दे दी गई है। गुरुवार सुबह बैठक के दौरान बीसीसीआई अधिकारियों ने इस बात पर भी जोर दिया, इंटरनेशनल मैचों के साथ टकराव होने के बावजूद नीलामी होगी ही। नीलामी के दौरान भारत और वेस्टइंडीज के बीच वनडे सीरीज हो रही होगी। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। कलकत्ता में 1894 में पहले मेडिकल कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। लोटस टेम्पल 1986 में श्रद्धालुओं के लिए खोली गई। भारत में 1986 में संसद द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, इसलिए भारत में 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। देश का पहला अम्यूजमेंट पार्क एसएल वर्ल्ड 1989 में महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में खोला गया। विश्वनाथ आनंद 2000 में विश्व शतरंज चैंपियन बने। दिल्ली मेट्रो का शुभारंभ 2002 में शाहदरा 30,000 लाइन में हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय को 2014 में भारत रत्न देने की घोषणा हुई। भारतीय अभिनेता अनिल कपूर का जन्म 1959 में आज ही के दिन हुआ था। भारतीय गायक मोहम्मद रफी का जन्म 1924 में आज ही के दिन हुआ था। यूरोप से भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग का पता लगाने वाली पुर्तगाली खोजी नाविका वास्को दिगामा का 1524 में कोची में निधन हो गया था। आज ही के दिन को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है।
कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है प्रिया यादव, कुमार आशीष, रघुनाथ प्रसाद, मनीष कुमार, कुंदन कुमार, सरोज कुमार, सुमित शर्मा, मुन्ना यादव, मोहम्मद मिराज आलम, इशरत परवीन, गौशिया खातून, राजीव कुमार, मुन्ना यादव, अशोक कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार देश के कई राज्यों में ओमिक्रॉन के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए क्या आपके आसपास कोरोना से बचाव को लेकर लागू नियमों का पालन हो रहा है या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।